नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप भी जानना चाहते हैं कि इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस जहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है इक्सिको ऐप। इक्सिको ऐप सर्च करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है, तो गाइस जहां पर आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से इक्सिको एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस जहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गई जहां पर आपको प्ले स्टोर के प्रोफाइल को ओपन करना है। प्ले स्टोर के प्रोफाइल को ओपन करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ओवर एनी नेटवर्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ओवर वाईफाई ओनली का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आस्क मी एवरी टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल के अंदर ओवर वाईफाई ओनली सेलेक्ट किया हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट रहेगा तभी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन अपडेट होगी। तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओवर एनी नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओवर एनी नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गई जहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद गई जहां पर मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप इक्सिको एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो गई जहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन हो चुकी है, और गई जहाँ पर आपको ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट में कई सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है, और गई जहाँ पर आपको इक्सिको ट्रेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गई जहाँ पर आपको इक्सिको एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। इक्सिको एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है, तो गई जहां पर आपको फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन का ऑल डाटा क्लियर हो चुका है। तो गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इक्सिको एप्लीकेशन का ऑल डाटा क्लियर करने के बाद इक्सिको एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गई जहां पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गई जहां पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है इक्सिको ऐप। इक्सिको ऐप सर्च करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट नहीं होती है, तो गई जहां पर आपको क्या करना है, अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इस ट्रिक को यूज करने के बाद इक्सिको एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इक्सिको एप्लीकेशन अपडेट हो रही है। तो गई कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।